साथियों, आपने देखा और प्रोफाइल वीडियो से आप सारे लोग जान ही गए होंगे कि आज हमारे बीच में जो शख्सियत है, जो पर्सनालिटी है, वो कितने लाजवाब पर्सनालिटी है, जो हमेशा जिंदा दिली के साथ में इस बिजनेस को करते हैं और उम्र के इस पड़ाव पर भी आज उनका जो जोश है, उनका जो काम करने का स्टाइल है, जो लोगों को सक्सेस बनाने के लिए दिन रात वो प्लानिंग करते हैं, वो सारी चीजें आज हम देख पा रहे हैं। और आज हम बड़े ही लकी हैं साथियों कि आज हम से वो डायरेक्टली शेयर करने वाले हैं अपनी लाइफ स्टोरी, किस तरह से उन्होंने रेलवे की नौकरी होने के बावजूद भी आरसीएम बिजनेस में आने का फैसला किया और किस तरह से सफायर तक के लेवल पहुंचा। और उसके बीच में भी अगर मैं कहूं तो उनका जो सबसे बड़ा हार्ड वर्क, इस बिजनेस की विजन को पहचानना और हमेशा अपनी टीम के लिए 24/7 तैयार रहना, उनकी हेल्प करने के लिए, किस तरह से उनको आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से लोगों को सक्सेस किया जाए, कैसे ज्यादा लोगों के घरों में आरसीएम के माध्यम से इनकम पहुंचाई जाए, किस तरह से आरसीएम के प्रोडक्ट हिंदुस्तान के हर घर में पहुंचे, उस विजन के साथ में जो आज वो काम कर रहे हैं, जिस तरह से और पूरी तरह से आज वो पूरे आरसीएम के लिए समर्पित हैं और हमेशा से आरसीएम को किस तरह से नई ऊंचाई पर लेके जाए, किस तरह से आरसीएम के लिए वो सारे माइलस्टोन तैयार किए जाए जहां पे और ज्यादा लोग आके अपने आप को सक्सेसफुल बना सके, तो दिन रात पूरी तरह से प्लानिंग्स करते हैं, उन लोगों के साथ में अपनी प्लानिंग शेयर करते हैं, किस तरह से उनको कोई इश्यू आ रहे हैं, कोई चैलेंज आ रहे हैं तो उसके साथ में हमेशा वो खड़े होते हैं। तो ऐसे ही एक जिंदा दिल पर्सनैलिटी जो कि वेस्ट बंगाल के अंदर मालदा टाउन से बिलोंग करते हैं। और साथियों, मैं बताना चाहूंगा, मालदा टाउन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट टाउन है जहाँ पे जिसको एक तरह से आरसीएम नगरी कहा जाता है, जिसने बहुत सारे आरसीएम के अचीवर्स हिंदुस्तान को दिए हैं और वहीं से आज हमारे बीच में है मिस्टर NH खान सर, जो वाकई में पूरी तरह से आरसीएम बिजनेस के लिए डेडिकेटेड है कि बिजनेस को कैसे नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए, कैसे लोगों को और ज्यादा सक्सेसफुल बनाया जाए। तो मैं आप सब लोगों की जोरदार एक्साइटमेंट और तालियों के बीच में इनवाइट करने जा रहा हूँ हमारे आज के लेजेंडरी पर्सन मिस्टर NH खान सर। वेलकम है सर आपका। थैंक यू भगवत जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि मुझे ये काबिल आपने सुना समझा कि मैं भी अपने साथियों को कुछ बातें बताऊं और अपनी जिंदगी की पुरानी कहानी दोहराना। वाकई में बहुत बड़ा बहुत बड़ा अच्छा लगता है मेरी जिंदगी में क्या क्या घटे, क्या क्या हुआ, और ये सब बहुत लोगों को सीख मिलता है कि मेरी जिंदगी में भी ऐसा हो ही सकता है, लेकिन पहले जो हुआ आज होगा नहीं, इसलिए मैं आप सभी को फिर तहे दिल से स्वागत करता हूँ। वेलकम टू द जर्नी ऑफ सक्सेस। आप सब बड़े खुश नसीब हैं कि हम आरसीएम बिजनेस में हैं और मैं भी वो खुश नसीब हूँ। मेरा नाम NH खान है, पश्चिम बंगाल का छोटा सा जिला मालदा जिला से बिलोंग करता हूँ। पेशे से एक रिटायर्ड रेलवे एम्प्लॉई, मैं रेलवे में नौकरी करता था, रेलवे में जॉब करता था, रेलवे में गुलामी करता था और गुलामी करके थक चुका था मैं। 20 साल उस गुलामी को करने के बाद मुझे पता चला कि ये नौकरी मुझे भूखा मरने नहीं देगी और मेरा सपना पूरा होने नहीं देगी, लेकिन मैं सपना देखता था तो गाँव का लड़का, किसान का बेटा, लेकिन मेरे आंखों में बड़े बड़े सपने थे। मैं अमीर बनूंगा, गाड़ी होगी, बंगला होगी, मेरा बच्चा अच्छा पढ़ाई करेगा, ये होगा, वो होगा, ये सपने थे, लेकिन उस नौकरी में मेरा सपना दम तोड़ दिया था। मैं कुछ अलग सा करना चाहता था और सबसे जरूरत की बात थी पैसे की। नौकरी से 4,000 रुपया मेरी इनकम आती थी, मैं सोचा था कि और 4-5 हजार कहीं से आ जाए तो मजा आ जाए जिंदगी जीने का, लेकिन उतना 5,000 कमाने का भी कोई जरिया हमारे पास नहीं था क्योंकि मैं नौकरी करता था, उसके अलावा कुछ करना चाहिए तो ट्रेडिशनल बिजनेस ही एक रास्ता है, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में जिस तरह से पैसा लगेगा, समय लगेगा, वो मेरे पास नहीं था। मैं ऐसा कोई चीज का तलाश कर रहा था तो कहते कि ऊपर वाला आपको वो देता है जो आप तलाश करते हो, और तलाश करते ही मुझे ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के बारे में जानकारी आई कि डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम एक ऐसा अनोखा व्यापार है आपके जिंदगी में जहाँ ना पैसा लगता है, ना पूंजी लगता है, ना रिस्क है, ना टेंशन है, अपने जिंदगी का पार्ट टाइम आप अगर इसमें इस्तेमाल कर लेते हो तो आप जिंदगी में हर ख्वाब पूरा कर सकते हो। मैं भी तलाश में था नेटवर्क मार्केटिंग के, अचानक मेरे कोई एक साथी आके मुझे एक नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जानकारी दी, वो कंप्यूटर नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ था, easybiz2000.com। मैं वो जुड़ना नहीं चाहता था लेकिन मैं उसको ऑब्लाइज करने के लिए जुड़ना मेरी मजबूरी हो गई क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग की मैंने कुछ किताबें पढ़ी थी। नेटवर्क मार्केटिंग की किताब में लिखा था कि आप अगर कोई कंपनी ज्वाइन करना चाहते हो तो ऐसी वैसी कंपनी में आप कामयाब नहीं होने हो सकते हो, पहला देखना पड़ेगा आपको ग्रेविटी ऑफ द प्रोडक्ट, जो कंपनी में आप काम करना चाहते हो उसका प्रोडक्ट क्या है,
कितने परसेंट लोगों तक आप ले जा सकते हो उस प्रोडक्ट को। उसके बाद देखेंगे क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, फिर प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, विजन ऑफ द कंपनी और एडुकेशन सिस्टम ऑफ द कंपनी। ये चार पांच चीज देखना जरूरी है। लेकिन वो जो सिस्टम मेरे पास आया था उसमें था ही नहीं, लेकिन मैं मजबूर था कि मेरे कोई ऐसे लोग थे जो हमें इसमें ज्वाइन करवाया, वो बार बार मुझे प्रेरित करते थे कि मीटिंग करवाओ मीटिंग करवाओ। और मेरा दायरा बिल्कुल छोटा था, रेलवे की नौकरी करते थे, रेलवे की यूनियन ऑफिस ही मेरा दायरा था। मैं उस रेलवे की यूनियन ऑफिस में उसको ले जाके एक बार मीटिंग करवाया, 5-10 लोगों को बैठाया, लेकिन लोगों के समझ में नहीं आया, मेरे खुद भी समझ में नहीं आता था कंप्यूटर लेके कितने परसेंट लोगों के पास जाएंगे। बस उसको टाल मटोल कर रहा था। और उस मीटिंग में मैंने एक साथी को इन्वाइट किया था, वो रोजाना मेरे यूनियन ऑफिस में आते थे, वो भी रेलवे एम्प्लॉई थे, वो टीटी की नौकरी करते थे, अच्छा पैसा कमाते थे, अच्छा खासा पैसा भी कमाते थे और बड़ा वो एक्साइटेड रहते थे। मैं सोचा कि इनको फंसा दूं तो मजा आ जाए जिंदगी का, मैं उसको क्या फंसाऊं। 2-3 दिन बाद वो हमें आके बोल रहे हैं, खान भाई आप तो नेटवर्क कर रहे हो, नेटवर्क करना चाहते हो तो एक नेटवर्क से मैं टकराया हूँ, आप अगर उसको करते हो तो लगता है बहुत बड़ा कुछ होगा। मैं बोला सर, पहला मेरा क्वेश्चन था उनसे, सर इस कंपनी का प्रोडक्ट क्या है? उन्होंने कहा था कपड़ा। मैं कहा था नहीं है कोई लफड़ा, ये तो चलेगा नहीं दौड़ेगा, क्योंकि कपड़ा सभी लोग पहनते हैं। मैंने उनको बोला और वो अपने अपलाइन जो जिनसे टकराए थे, जिनसे प्लान सुना था, उनको बुलाया मालदा टाउन में और हमें इन्वाइट किया कि आप जाके सुन लेना। और साथियों वाकई में मैं वो दिन मुझे याद है, 2002 21 अप्रैल 20 तारीख को मेरी तनख्वाह हुई थी, 21 तारीख को मेरे जेब में पैसा भी था। और मैं जब वो होटल में गया, वहां देखा कुछ लोग बैठ के प्लान सुन रहे हैं, मैं खड़े खड़े बैठने का मौका नहीं था, मैं खड़ा खड़ा प्लान सुनता था और मैं परेशान होने लगा। प्लान सुन के मैं बिल्कुल परेशान होने लगा कि शायद मेरे पहले ये लोग ना ज्वाइन कर जाए। तो मैं उन लोगों को बोला भैया मुझे भी सुनना है, तो वो लोग सुनता नहीं था, वो लोग तो भागने की कोशिश में था। वो तो अवधेश जी को, मेरा ग्रेट अपलाइन मेरा स्पॉन्सर, अवधेश जी के निमंत्रण में आए थे, उनको ऑर्गेनाइज करने के लिए वहां बैठे थे, मेरे कहते ही वो लोग भाग के खड़े हुए, हाँ बैठो भैया बैठो हम लोग चले। वो लोग चला और मैं जो शख्सियत आए हुए थे, मैं नाम लेना चाहूंगा मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर विजय पाल विरोधिया, उनको बोला सर मुझे क्या करना है बताओ, फॉर्म दो हमको, किट दो हमें ज्वाइन करना है। बोला सर प्लान तो सुनो, मैंने सुन लिया, अभी जल्दी फॉर्म दीजिए मुझे सिग्नेचर करना है। बोले समझना पड़ेगा इस प्लान को, बोले मैं समझ गया, मैंने यूं ना देखा त्यों ना देखा, क्योंकि वो उस सामने एक किट रखा हुआ था, उस समय कागज के पैकेट में किट आता था, 3 पैंट 3 शर्ट का कपड़ा, तो वो भी देखा, कपड़ा भी देखा, नहीं ठीक है चलो जो प्राइस है इसके मुताबिक ठीक है ये। फिर देखा कंपनी का विजन आप कहाँ मिलेगा हमको, ये कंपनी आज है कल रहेगी कि नहीं रहेगी क्या पता। लेकिन उस डब्बे में एक शब्द लिखा हुआ मेरे नजर में आया, वो लिखा हुआ था आर्थिक आजादी का अभियान। कसम अल्लाह के साथ ही मैं उस शब्द को देखते ही मैं ठान लिया कि ये कंपनी का सोच बहुत लंबा है, इस काम से हिंदुस्तान की आर्थिक आजादी, ये सोच आम आदमी का हो ही नहीं सकता। मैं यूं ना देखा त्यों देखा साथी, मैं इस बिजनेस में ज्वाइन करने का डिसीजन लिया और एक नहीं 4-4 किटें मैंने ली, एक मेरी पत्नी के नाम से, क्योंकि मैं एम्प्लॉई था मैं अपने नाम से ज्वाइन नहीं कर सकता था, मैं एक अपनी पत्नी के नाम से ज्वाइन करवाया, एक बड़े बेटे के नाम से, एक छोटे बेटे के नाम से और एक साले के नाम से, ये 4 किटें मैंने ली और घर आ गए। और उस किट के अंदर मुझे एक पन्ना मिला, लिपलेट मिला, वो हिंदी में लिखा हुआ था, प्लान के बारे में इतना गजब का प्रमोशन था उसमें कि प्लान आपको सीखना समझना है। मैंने प्लान 10-20 बार घर पे आके प्लान देखा, तो प्लान में बिल्कुल प्लान के बारे में मैं बिल्कुल सच्चाई से जान गया कि नहीं कि प्लान में दम है। और फिर उसमें वो जो लिपलेट था वो देखा हिंदी में लिखा हुआ, ये हिंदी लिखा हुआ मेरे तो बंगाल में कोई कर नहीं पाएगा। मैं रातों रात उस हिंदी से बांग्ला में ट्रांसलेट किया और उसको प्रिंटिंग प्रेस में जाके हजारों कॉपी छपवाया और लेके कूद पड़े, टूट पड़े, निकल पड़े मैदाने जंग में। मुझे पता था कि वाकई में मुझे खजाना मिला है और मैं लगातार लगा रहा, कंटिन्यू लगा रहा। दिक्कतें आई, परेशानी आई, मुसीबत आई, लोगों को कहते थे, लोग सुनना नहीं चाहते थे, समझना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं रुकने वाले में से नहीं था। मैंने 1 महीना काम किया और अपने 4 लोगों के साथ 2-4 लोगों को और ज्वाइन करवाया और कुछ 500-700 रुपये का चेक मेरे घर में आया, तो मैं फूले नहीं समाया, वाह मजा आ गया जिंदगी जीने का। 1 साल रेलवे की नौकरी करता था तो 125
की इंक्रीमेंट मिलती थी, और ये एक महीने में इतना स्मार्ट वर्क की दिक्कत थी, भाग दौड़ करते थे, परेशानी भी थी, लेकिन रेलवे की नौकरी से वैसी ज्यादा स्मार्ट थी ये काम। तो मैंने ये काम करके 5-7 साल आया तो मेरा विजन क्लियर हो गया कि आगे बहुत कुछ होगा। फिर मैंने दौड़ शुरू किया, लेकिन दिक्कत परेशानी भी आई साथी, ऐसी परेशानी कि मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। मैं जब दूसरा महीना काम शुरू किया और वो जो हमें इस बिजनेस में ज्वाइन करवाए थे वो आए फिर दूसरी कंपनी का प्लान लेके, हम लोग को बड़गड़ा गए, हम लोग बिल्कुल परेशान हो गए कि ये क्या हो गया। तो मैं थोड़ा सा बोल्ड टाइप का आदमी था, मैं किसी को छोड़ने वाला नहीं था, मेरे रुख से उनको समझ में आ गया कि यहाँ प्लान दिखाना मुश्किल है। उन्होंने दूसरी कंपनी का प्लान नहीं दिखाया, वो चले गए, वो इस कंपनी को छोड़ के दूसरी कंपनी में चले गए। फिर मैंने काम शुरू किया, लगातार कंटिन्यू काम करते गए। 6 महीने में रेलवे की जितनी जो मेरी तनख्वाह थी उससे ज्यादा इनकम मेरी आने लगी, जबकि कोई दुकान नहीं था, कोई पिकअप सेंटर नहीं था, कोई डिपो नहीं था, कोई एग्जाम्पल नहीं था, कोई टूल्स नहीं था, कोई एडुकेशन सिस्टम नहीं था, सिर्फ कीट बेचने के दम पे इतनी तीव्र गति से हमने काम किया। और सपोर्ट मिला मेरे ग्रेट अपलाइन अवधेश कुमार का, मैं समझता था कि मैं जिद्दी हूँ, मैं वाकई में मैं बड़ा जिद्दी था, मेरे अंदर जोश जुनून दीवान की पागलपन खूब थी, जिस भी काम को करता था जुनून के साथ करता था, और उसमें सपोर्ट मिला मेरे ग्रेट अपलाइन अवधेश कुमार का, और मैं कूद पड़ा और लगातार कंटिन्यू काम करता गया। काम करने का नतीजा साथी 9वें महीने में इस बिजनेस से मैंने रॉयल्टी अचीव किया, 13 महीने में मैंने इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बना, 13 महीने में इस बिजनेस का टेक्निकल अचीवर बना। परेशानी आई, दिक्कतें आई, मुश्किलें आई, लेकिन मैं रुकने वालों में से नहीं था। फिर कुछ दिन मैंने अपने बिजनेस को थोड़ा सा बिल्ड करने का नतीजा बिल्ड किया, फिर कोई एक साथी हमारे सीनियर अपलाइन में आए और फिर वो दूसरी कंपनी का प्लान लेके आ गए। मैं छटपटाने लगा कि ये क्या हो गया, पूरा मेरा एक लाइन का मेरा एक ग्रुप बिल्कुल ध्वस्त हो गया। मैं परेशान हुआ था कि क्या करें। मैं रुकने वालों में से नहीं था, वो दूसरी कंपनी का प्लान लेकर आए और हमसे टकरा गए। तो मैंने उसको उल्टा सीधा थोड़ा गाली गलौज भी किया कि आप लोग हमको उल्लू समझ रखे हो, कल कहते हो आरसीएम अमोंग द बेस्ट, आज कहते हो कोई स्टार अमोंग द बेस्ट, परसों कहोगे मून अमोंग द बेस्ट, हमें उल्लू समझाए क्या, निकलो यहाँ से। मैंने उनको निकाला और कसम खा लिया, उस दिन से ठान लिया कि उससे बड़ा कुछ करके दिखाऊंगा, और मैं कंटिन्यू लगातार लगा रहने का नतीजा है दोस्त कि मैंने 13वें महीने में पर्ल का पिन लिया, दूसरे साल स्टार पर्ल का पिन लिया, तीसरे साल एमराल्ड का पिन लिया, चौथे साल स्टार एमराल्ड का पिन लिया, 5वें साल रूबी, 6ठे साल स्टार रूबी, और 8वें साल में सफायर का पिन मेरे सीने में लगा। सिर्फ मेरे नहीं, मेरे नीचे मेरे ये और एक बच्चा, मेरा एक बेटा सफायर बना, दूसरे को रूबी बना, और मेरी पत्नी का स्टार प्लेटिनम तो आने के बाद मेरे अपलाइन ने कहा कि नहीं, इतना ग्रुप आपको नहीं चलाना है, क्योंकि अपलाइन मेरे सबसे बड़े गुरु थे, अपलाइन मेरे दुनिया में सबसे अच्छे लोग मेरी जिंदगी में मिले, मेरा भाई मुझे जो सपोर्ट नहीं किया मेरा अपलाइन किया, मेरे जितने भी सीरीज अपलाइन थे उसके बाद एक एक अपलाइन आते गए और हमें समझाते गए, उन्होंने जो बताया मैं उससे बाहर कुछ नहीं किया, जितना कहते थे मैं उससे ज्यादा करता था। मुझे बस इतना बताया गया था कि 2 प्लान रोज, 2 प्लान की 2 गोली मारो, 2, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 40 प्लान तक मैंने एक दिन में दिखाया मेरे दोस्त, एक दिन में 40 प्लान तक मैंने दिखाया, मैं रोक नहीं पाया अपने आप को। और प्लान दिखाने का नतीजा लोग हमारे साथ जुड़ते गए और अपलाइन जो बताते थे मैं वो काम करता गया। अपलाइन कहते कि भीड़ का बिजनेस है, भीड़ इकट्ठा करो। मैं मीटिंग में परेशान रहता था, हर महीने मीटिंग करवाते थे अपने ग्रेट अपलाइन जो भी आते थे, भरपूर सपोर्ट मिला हमें आदरणीय सुरेंद्र भट्ट साहब का, 2-2 दिन 5-5 दिन हमारे साथ रहते थे, गांव-गांव में घूमते थे। लेकिन तीसरी बार जब वो हमारे बीच आए इस बिजनेस को समझाने के लिए तो मैं उनसे पूछ ही लिया कि सर आप कब छोड़ के भागोगे, तो उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि खान साहब मैं भागने वालों में से नहीं है, डटा रहूंगा जिंदगी भर आपके साथ, कसम खाता हूं आपका साथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे विश्वास हुआ उन पे और उनको मैंने अपना आइडियल समझा, मैंने उनको अपना
रोल मॉडल समझा और वो जो भी बताते थे मैं वो काम करता गया, क्योंकि उनका जो भरपूर सपोर्ट ही मिला वो मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया। वो मुझे समझाते थे, उसके बाद फिर हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर बीसी छाबड़ा जी, केसी छाबड़ा जी, मुकेश कोठारी, सब हमें सपोर्ट देने लगे, सपोर्ट देने लगे। जब भी मेरे अपलाइन आते थे मेरी मुझे ऐसी ऐसी बातें बताते थे जो मैं बिल्कुल वो हो जाता था कि वाकई में मेरी जिंदगी बहुत बड़ी परिवर्तन होने वाली है। एक बार डीसी छाबड़ा जी आए, बोले मुझे यहाँ मीटिंग करने के लिए, एक भैप पे मीटिंग हमने करवाया। मात्र 3 साल के अंदर एक ऐसा सेमिनार पूरे फुटबॉल ग्राउंड में, बहुत बड़ा स्टेज, और वहाँ कार लेके हमने 3 साल में इस बिजनेस से कार खरीदा। हमने 3-4 साथी ने, मेरे डाउनलाइन में 3-4 साथी ने कार खरीदा, उस कार को लेके स्टेज में चढ़े और हजारों लोग, कम से कम 10,000 लोग उस मीटिंग में आए थे, और उस वो स्टेडियम के अंदर लोगों को देख के हैरान हो गए। जब मेरे अपलाइन कहा कि भीड़ का बिजनेस है, भीड़ इकट्ठा करना है, मैंने ऐसा भीड़ इकट्ठा किया, मैं अपने टीम के साथ मेरी अकेले की दम नहीं थी साथी, क्योंकि शुरुआती दौर में मेरे अपलाइन बताया था कि आप अकेले इस बिजनेस में बड़ा कुछ नहीं कर सकते हो, आप अकेले ही बिजनेस निर्माण नहीं कर सकते हो, आप लोगों का निर्माण करो, लोग बिजनेस का निर्माण करेंगे। और मैंने वो काम किया, उस पर बहुत ज्यादा तकलीफ मैंने झेला दोस्त, जितनी भी रॉयल्टी की इनकम आती थी वो भी पूरे का पूरा खर्च हो जाता था, ये टीम के निर्माण करने का नतीजा था। ये टीम को निर्माण करने में मैंने अपने जिंदगी का रॉयल्टी का इनकम तो बिल्कुल घर पे कभी इस्तेमाल नहीं किया, कभी बैलेंस नहीं किया, क्योंकि खर्च करना पड़ता था। ये मुझे बताया गया कि आपको टीम बनाना है, टीम का लीडर बनाना है, क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर बनाना है, क्योंकि लोग उस समय आते नहीं थे, 10 लोगों को बोलते थे, 2 के भी समझ में नहीं आता था, लोग आना नहीं चाहते थे, लोगों को समझ में नहीं आता था कि प्रोडक्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कैसे होगा। धीरे धीरे ये कंपनी में हम संपर्क बनाने लगे, भिलवाड़ा एक बार गए, वहां एक बड़ा फंक्शन देखा और आदरणीय टीसी सर से मिलने के बाद उनसे आग्रह किया, फिर वो हमारे यहाँ एक डिपो, छोटा सा डिपो का किया, डिपो के बाद पिकअप सेंटर, एक के बाद होते रहा और बिजनेस आगे बढ़ते रहा। बहुत सारी डिपोज हमारे नीचे हुई और मैं उसी पे बिल्कुल ध्यान केंद्रित करता था कि मुझे सिखाना पड़ेगा, क्योंकि मेरी काबिलियत पे मुझे खुद शक था कि मैं शायद इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो पाऊंगा, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा ज्यादा नहीं हूँ, मेरी कोई पहचान नहीं है, मेरी कोई वजूद नहीं है, मैं क्या करूं। लेकिन मेरे ग्रेट अपलाइन हरदम मुझे सराहना करते थे, हरदम मुझे कहते यू कैन डू इट, तू कर सकता है, तेरे अंदर काबिलियत है। और मैं साथियों, मैं अपने काबिलियत पे भरोसा नहीं किया, अपने अपलाइन पे भरोसा किया और लगातार कंटिन्यू लगातार काम करता रहा। करने का नतीजा आज इस मुकाम पे हूँ। पिछले 18 साल से इस बिजनेस के साथ जी रहा हूँ और इस बिजनेस में जिंदगी भर मरते दम तक इस बिजनेस का सेवा करता रहूंगा, क्योंकि इस बिजनेस में पैसे के लिए तो पैसे की छोटी सी सोच से मैं आया था, लेकिन इस बिजनेस ने जिंदगी में वो चीज दिया जो आप एक आम आदमी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। पैसा, समय, सुरक्षा, इज्जत, शौहरत, पहचान, लाखों लोगों का दुआ और एक सुनहरा भविष्य का निर्माण इस बिजनेस के माध्यम से मिला। ये बिजनेस के बारे में जब लोगों को बताते थे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब लोगों के समझ में आ रहा। हम सबकी जो प्रयास था, मेरी टीम का जो प्रयास था वो था कि टीम का निर्माण करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को सिखाओ। और सिखाने के लिए हमारे पास तो कुछ नहीं था, जब भी मेरे ग्रेट अपलाइन आते थे, दिन को सेमिनार करते थे, DTW करते थे, रात को हम सब LDP करवाते थे, लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम कराते थे। जो भी लीडर हमारे यहाँ आते थे वो 3 काम हम उनसे करवाते थे। वो कुछ करने का नतीजा कि हमारे नीचे ऐसे ऐसे लीडर का डेवलपमेंट हुआ, ऐसे ऐसे लीडर तैयार हुए कि मैं अब आश्वस्त हुआ कि अब मुझे फ्रीली में काम कर सकता हूँ। फिर मुझे बताया गया कि अब एक जगह में बिजनेस का बहुत बड़ा निर्माण नहीं कर सकते हो, आपको अगर बड़ा बिजनेस करना है तो आउट ऑफ टाउन ग्रुप, वो मीटिंग सेमिनार कैसेट सुनते थे हमारे लीडर लोग का, कैसेट सुनते थे, उसमें बहुत अच्छी जानकारी मिलती थी और जो भी बात मेरे समझ में आता था मैं उसको गांठ बांध लेता था, उसमें खड़ा उतरता था। मुझे बताया गया कि आपको निकलना है बाहर, आउट ऑफ टाउन ग्रुप आपको बिल्ड करना है और मैं उस पे
अपने आप को समर्पित रूप से आगे बढ़ा, क्योंकि रेलवे की नौकरी को मैं उस समय दरकिनार कर दिया। रेलवे की नौकरी मेरी सेकंड प्रायोरिटी हो गई, क्योंकि रेलवे की नौकरी से ज्यादा इनकम में इस बिजनेस से कई गुना ज्यादा इनकम इस बिजनेस से लेने लगा, तो रेलवे की नौकरी को मैंने छोड़ने का भी डिसीजन ले लिया था। लेकिन रेलवे हमें नहीं छोड़ा, मैं रेलवे को छोड़ दिया था लेकिन रेलवे मुझे नहीं छोड़ा, और मैं रेलवे को छोड़ के इस बिजनेस के रूप में समर्पित रूप से काम करने लगा। फिर बिहार के धरती में गया, बिहार के धरती में मुझे जाने का मौका मिला, और बिहार में ऐसे ऐसे लोग मिले जो कभी मैंने सोचा भी नहीं था। हलवाहा, चरवाहा, गांव का आदमी, एकदम कम पढ़ा लिखा आदमी, ऐसे ऐसे लोग मेरे सामने आए। लेकिन मुझे विश्वास था इसके अंदर में बहुत बड़ा ताकत हो सकता है, और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाया और उसके साथ इतना सपोर्ट दिया, ऐसा सपोर्ट दिया, कंटिन्यू सपोर्ट देने का नतीजा आज वो एक कामयाब लोगों की श्रेणी में अपने आप को स्थापित किया। ऐसे लोग आए और वो वहां मैंने कंटिन्यू काम करने का नतीजा बिहार से बहुत बड़ा बिजनेस का निर्माण हुआ, और उस तरह का फंक्शन मैंने बिहार में भी किया। आपको पता होगा मुजफ्फरपुर में एक फंक्शन किया था जहाँ 7-8 कार का हमने फीता काटा था, वो फंक्शन करवाने का नतीजा बिजनेस के लोगों के समझ में आ गया, लोग बिजनेस में आने लगे, लोगों के समझ में आने लगा। मैं लोगों को जितना भी ना करते थे उससे हमको सबसे ज्यादा ताकत मिलता था। मैं काम इस तरीके से करते थे कि जो भी लोग आए कम से कम इस बिजनेस में डटा रहे, लेकिन लोग आते थे काम करना नहीं चाहते थे, लोग आते थे बिजनेस को तो ज्वाइन कर जाते थे लेकिन बिजनेस को क्विट कर जाते थे, क्योंकि उस समय कुछ करने का था ही नहीं, कोई रिटेलिंग का कोई जगह नहीं था, कोई प्रोडक्ट नहीं था। फिर 1-2 साल 3 साल जाते जाते धीरे धीरे जब बहुत सारा प्रोडक्ट इस बिजनेस में आया, फिर लोगों के समझ में आने लगा, लेकिन फिर भी लोगों के समझ में नहीं आता था। क्वालिटी किसी को पसंद नहीं होती थी, रेट किसी को पसंद नहीं होती थी, वो लोग सिर्फ प्रोडक्ट देखते थे और हम देखते थे विजन। ये विजन कहाँ है इस कंपनी का, ये कंपनी क्या क्या कर सकती है, भविष्य में बिजनेस का निर्माण होगा, ये मेरे समझ में आया था। इसलिए मैं लगातार लगातार कंटिन्यू डटा रहा, करता रहा, काम करता रहा, सीखता रहा, सीखता रहा। तो आपको भी वही साथी, अगर इस बिजनेस में वाकई में कामयाब होना है तो आपका एक ऐसे टीम का निर्माण करो, ऐसे टीम का निर्माण करना पड़ेगा आपको, क्वालिटी टीम का निर्माण आपको करना पड़ेगा। लोग तो आएंगे लेकिन छोड़ के भी चले जाएंगे, क्योंकि इस बिजनेस में ज्वाइन करना जितना आसान है, छोड़ के जाना उससे भी ज्यादा आसान है। लोग छोड़ के भी चले जाएंगे, लेकिन आप अगर उसको इस बिजनेस में कुछ लोगों को सिखा लिया, अच्छी तरह से उसको अगर इस बिजनेस की एडुकेशन आपने दे दी, तो फिर क्वालिटी डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में आपके साथ डटे रहेंगे और वो काम करेंगे। और सिखाने का क्या है, हमें तो बिल्कुल आसान लगता है ये बिजनेस, इसमें सीखने के लिए ये 3 चीज अगर लोग सीख जाए तो कभी इस बिजनेस पर उसको मान ले। तो ये 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप्स, 7 कार्डिनल रूल, इस 3 चीज को अगर कोई व्यक्ति गांठ मान ले कि मैं इस पे खड़ा उतरूंगा, मैं इसको मानूंगा, मैं इसको मेंटेन करूंगा, गारंटी है किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्त। इस बिजनेस में कोई सपोर्ट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंपनी अब जिस मुकाम पे खड़ी है, आपके बिजनेस में एडुकेशन सिस्टम, यूनिक एडुकेशन सिस्टम और ग्रेट ग्रेट लीडर, एक ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आज आरसीएम बिजनेस में है कि अब लोगों को बताना नहीं पड़ता, अब तो जिसको बताता हूँ उनके समझ में आ जाता है। अब आप आरसीएम बिजनेस के उस पड़ाव पे पहुंच चुके हैं जिसका हमें इंतजार था। आरसीएम बिजनेस को सामाजिक मान्यता प्राप्त करना, ये सबसे बड़ा अपना उद्देश्य था। सामाजिक मान्यता प्राप्त क्या है, जो भी आरसीएम का नाम सुने कहे नहीं बहुत बढ़िया है आरसीएम, आरसीएम का प्रोडक्ट बढ़िया है, आरसीएम के लोग बढ़िया है, आरसीएम का कंपनी बढ़िया है, इस तरह का सोच लोगों में अब डेवलप होने लगा है। और ये और बढ़िया तरीके से अगर आपको करना है साथी, तो आपने नीचे भी आप ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाओ, ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम करो जो इस बिजनेस को का विजन जिसके पास हो, जो इस बिजनेस करना चाहे। हम लोग तो शुरुआती दौर में जिसको पाते थे उसको इस बिजनेस में ज्वाइन करवा लेते थे, लोगों के समझ में नहीं आता था कि ये बिजनेस कैसे करे, लेकिन अपना उद्देश्य था ज्वाइन करवाना। लेकिन आज लोगों के समझ में आया कि जिंदगी में बड़ा कुछ करना है तो एकमात्र रास्ता है डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम के दुनिया में सबसे अनोखा, सबसे सुंदर, सबसे महान, सबसे आसान
आरसीएम बिजनेस, ये लोगों के समझ में आ गया है। यानी हम आरसीएम बिजनेस परिवार सामाजिक मान्यता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और इसमें और आपको बड़ा कुछ करना है तो आपको भी आज क्वालिटी लोगों के साथ काम करने का तरीका अपनाना पड़ेगा, क्वालिटी लोगों को इस बिजनेस में ज्वाइन करवाना पड़ेगा। आम लोगों को तो ज्वाइन करवा देते हैं लेकिन वो इसके विजन को समझते नहीं है और उसके पास बहुत बड़ा लंबा सोच होता नहीं है, वो चलते नहीं है। लेकिन खास लोग जब आते हैं, जब क्वालिटी पीपल इस बिजनेस में आते हैं, वो सीरियसली इस बिजनेस को खुद प्लान करने लगते हैं कैसे इस बिजनेस को, क्योंकि उनके पास सपना होता है, उनके पास ड्रीम होता है। आम लोग कभी सोचते भी नहीं है सपने के बारे में, ड्रीम के बारे में, वो सिर्फ अपने पेट के बारे में, दाल रोटी के बारे में सोचते हैं। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग ऐसे निकलते हैं जो बहुत बड़ा बड़ा कारनामा कर देते हैं। आज के जिस दौर में हम दौड़ रहे हैं साथी, इस बिजनेस में आपको भी ज्वाइन करवाना है तो ज्वाइन करवाने के लिए भी आपको कुछ ऐसा मान्यता देना चाहिए कि ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाइए। मेरे एक सीनियर साथी बता रहे थे कि ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाइए जिनके पास तीन एम हो। तीन एम का मतलब, पहला उसके पास एंड्रॉइड मोबाइल फोन हो, दूसरा उसके पास वाहन हो, बाइक हो, मोटर बाइक हो, तीसरा उसके पास मनी हो, कुछ पैसा हो, रनिंग एक्सपेंस को मेंटेन कर सके, ऐसे लोगों को ज्वाइन करवाइए। आप जिसके पास, क्योंकि आज ये बिजनेस, ये सिस्टम पूरा इंफॉर्मेशन के ऊपर, टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है, ये बिजनेस पूरा मोबाइल फोन और कंप्यूटर पे आधारित हो चुका है। ये जिसके पास नहीं है वो इस बिजनेस में बड़ा कुछ कर नहीं सकता, वो परेशानी और बोझ आपके सर पे बन जाएगा। लेकिन जब भी आपको इस बिजनेस में ज्वाइन करवाना है, ऐसे लोगों को करवाएं जिनके पास ये तीनों चीज हो ही हो, फिर आप उसको सिखाने में आपको मजा आएगा। जब ऐसे लोग आपके साथ आएंगे उसको सिखाने में आसान होगा। और ये बिजनेस सिर्फ खुद अपने, जिम्मेवारी तो आपकी है कि आपके टीम को निर्माण करें, लेकिन जिम्मेवारी ये भी है कि आपके टीम को सिखाए। हम लोग कभी लोगों को ज्वाइन करवाते हैं, खुद जब ज्वाइन करवाने लग जाते हैं, एक ऑफिसर ट्रेनिंग में बैठा रहता है। ये सब करते रहेंगे तो जिंदगी भर आपको ज्वाइनिंग करवाना पड़ेगा। ज्वाइनिंग जिसको करवाते हैं उसके हाथों से खुद करवाए, उसको खुद सिखवाए, वो मोबाइल चलाना सिखाए, कैसे ज्वाइनिंग का बिल्कुल आसान तरीका। इतना आसान अब आरसीएम बिजनेस इतना आसान हो चुका है कि इससे आसान काम दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता और इससे महान काम भी दुनिया में कुछ नहीं है। तो ये काम लोग करेंगे वही जो इस चीज को सिखा लेंगे। तो आपको ज्वाइनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। अभी इस महीना तो, ये अभी तो सितंबर महीना चल रहा है जो टारगेट का मंथ है, बड़े बड़े ऑफर आपके सामने है, इस ऑफर में आप परेशान है, लेकिन एक महीना तो क्यों टारगेट मंथ बनाए, एक महीना क्यों ऑफर ले। ऑफर तो पूरे साल आपको मिलता रहता है, हर महीने आपके पास ऑफर है, लेकिन हमारे माइंड में सेट हो गया है सितंबर और मार्च ही क्यों। एक महीना बिजनेस कर लिया लाखों का करोड़ों का, दूसरे महीना आ गए 100 और 1000 में, ऐसा बिजनेस नहीं होना चाहिए। बिजनेस में आपका कंटिन्यू होना चाहिए। पहले हमारे जमाने में था ये बिजनेस ऊंचा नीचा होता था, ऊपर जाता था नीचे आता था, मतलब वो क्या कहते हैं ईसीजी के तरह होता था। लेकिन अब आरसीएम बिजनेस में इतना सारा प्रोडक्ट, इतनी क्वालिटी प्रोडक्ट, इतना एडुकेशन सिस्टम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो गया है कि आपका बिजनेस में इतना ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। हर महीने को आपको मार्च महीना समझना पड़ेगा, हर महीने को आपको सितंबर महीना समझना पड़ेगा। और ये तब संभव होगा जब आपके ज्वाइनिंग के बारे में विस्तृत जानकारी होगी, अपने टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को ज्वाइनिंग करवाना आता हो। ये आपको करना पड़ेगा, जो भी ज्वाइन करे कम से कम अपने हाथों से ज्वाइन करे, फिर वो भी लोग काम करेंगे। ज्वाइनिंग में वो काम करना है, ज्वाइनिंग के साथ हम लोग किसी को पकड़ के ज्वाइनिंग करवा देते हैं। इतना आसान कर दिया है आरसीएम बिजनेस की, आप 1000 की ज्वाइनिंग खरीदारी करो ज्वाइनिंग हो जाती है, अब कह दिया कि नहीं 2000 की खरीदारी करो ज्वाइनिंग हो जाएगी। हम तो ऐसा कहते हैं कि 5000 के नीचे, 5000 बीबी से नीचे ज्वाइनिंग ही नहीं होना चाहिए। 5000 बीबी से ज्वाइनिंग करवाओगे, जिसके घर में 8-10 हजार का सामान होगा उसके दिमाग में आरसीएम भी रहेगा, क्योंकि लोग 1000-2000 का सामान लेके ज्वाइनिंग करते हैं और हम लोग भी ज्वाइनिंग करवा के 2000-1000 बीबी ले लेते हैं उनसे और उनको भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ा गलत है। एक आदमी को ज्वाइन करवाना आसान है, लेकिन उसको उससे बड़ा रिजल्ट लेने के लिए आपको कंटिन्यू उसको काम करवाना पड़ेगा। लेकिन लोगों के घर में जब प्रोडक्ट रहता है तब तक लोग एक्टिव रहते हैं,
प्रोडक्ट खत्म, उसके दिमाग से निकल जाता है आरसीएम। इसलिए आपको भी अगर उसको कंटिन्यू करवाना है तो आपको कम से कम डायमंड क्लब के साथ उसको ज्वाइनिंग करवाए, डिस्प्लेस वर्ल्ड के साथ उसको ज्वाइनिंग करवाए। लेकिन हम वो घिसा पीटा तरीका लेके इस बिजनेस में काम कर रहे हैं। घिसा पीटा पुराना तरीका से, पुराने प्लान से आपको काम, बहुत बड़ा काम नहीं कर सकते। अब नया प्लान दिखाना चाहिए। नया प्लान क्या है? डिस्प्ले वॉल के बारे में तारीफ करो। डिस्प्ले वॉल पहले बताते थे, कंपनी बनाती थी ये बिचौलिया के माध्यम से हमारे पास आता था, ये कहानी छोड़ दो। कंपनी बना रही है, हमें ताकत दे रही है 10,000 से 10 करोड़ का सामान बेचने का, ये प्लान दिखाओ। डिस्प्ले वॉल का प्लान अगर दिखाते हैं, हर व्यक्ति इस बिजनेस में ज्वाइन करना चाहेगा, चाहे वो जैसा भी हो, जिस तरह के भी व्यक्ति हो, कोई भी व्यक्ति हो इस बिजनेस में ज्वाइन करना चाहेगा, अगर आपने उसको सही रास्ता दिखाया तो, कि प्रोडक्ट बिजनेस करना है, हमें प्रोडक्ट बेचना है, प्रोडक्ट की क्वालिटी, प्रोडक्ट की जानकारी, विस्तृत जानकारी उसके पास अगर आप दे सकते हैं तो कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को ज्वाइन करेगा। लेकिन हमारे पास जानकारी बहुत कम होती है। लेकिन आज कंपनी के जो भी पार्टनर हमारे हैं, न्यूट्रीचार्ज हो, गुड डॉट हो, हरी संजीविनी हो, किसॉल हो, जो पार्टनर हमारे पास है, इतनी सारी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं, हम उस जानकारी को अपने तक सीमित रखा है। इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपको पहुंचाने के लिए काम करना पड़ेगा। कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग इस ट्रेनिंग में बैठे और इसकी जानकारी ले, जिसके अंदर ट्रेनिंग और जानकारी हो जाएगी वो आगे काम, बड़ा काम करेगा, ये मुझे विश्वास है। और इसका ये काम जब आपको करना ही है, करना है हमें बिजनेस, हम आए आरसीएम बिजनेस करने। लेकिन कुछ लोग बिजनेस के नाम से बड़ा शर्माते हैं, बड़ा डरते हैं। तो आप डरोगे शर्माओगे तो इसमें जिंदगी में कुछ हासिल नहीं होगा। अगर ये बिजनेस करना तो बेचना पड़ेगा। और कंपनी इतना आसान आपको तरीका दिया है कि मात्र डायमंड क्लब 5,000 का बीबी आपको हर हाल में करना पड़ेगा, ये बिजनेस अगर करते हो। और आसानी से हम कर सकते हैं 5,000 बीबी, यानी 170 बीबी का रोज आपको रिटेलिंग करना। इतना भी आप सामान नहीं बेच सकते हो तो फिर इस बिजनेस में बड़ी कामयाबी के बारे में सोचना भी नहीं, क्योंकि ये बिजनेस काम करता है पावर ऑफ डुप्लीकेशन का। आप जो करोगे आपका टीम वही करेगा, आप नहीं करोगे आपका टीम भी नहीं करेगा। आप अगर डायमंड क्लब नहीं करते हो, किसी को डायमंड क्लब के बारे में बोल नहीं पाओगे। आप अगर डिस्प्ले वॉल नहीं लगाए हो तो डिस्प्ले वॉल के बारे में किसी को बोल नहीं पाओगे। और आप बहुत बड़ा बिजनेस का निर्माण नहीं कर सकते हो। लेकिन आप अगर करते हो, आपकी टीम भी वो काम करेगी। और वो बिल्कुल हकीकत हुआ मेरे साथ। मैंने भी जो अपनी टीम बनाई, आज उस टीम पे मुझे गर्व है। ऐसे ऐसे लीडर मेरे टीम में आज है, और हर एनिवर्सरी में बड़ी बड़ी पिन के साथ हमारी टीम से निकल के आ रहे हैं बड़े बड़े अचीवर। लेकिन वो होने का भी, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है कि मैंने अपने अपलाइन से जो सुना, जब भी वो आते थे मैं उनसे सेमिनार कराता था, DTW कराता था, LDP कराता था। उस तरह हम भी जब इस बिजनेस में थोड़ी सी आगे बढ़ने लगे, जब टेक्निकल का पिन, रूबी स्टार रूबी का पिन आया, तो हम भी जहां भी जाते थे हर स्टेशन में महीने में 15-15 मीटिंग करते थे, 10-10 मीटिंग करते थे। जहां भी जाते थे वहां दिन को हम सेमिनार करते थे, DTW करते थे, शाम को LDP करते थे। और जहां भी जाते थे ये काम को कंटिन्यू करने का नतीजा आज वो डुप्लीकेशन होने लगा। हमारे अपलाइन जिस तरह से हमें किसी अच्छे वेन्यू में ले जाके इस बिजनेस की विशेष जानकारी LDP का प्रोग्राम देते थे, हम भी अपने टीम को लेकर हर 3 महीने में टेक्निकल मीट करते थे। और उस टेक्निकल मीट में हम सब अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाए, अपने बिजनेस में नया प्रयोग क्या लाए, वो आपको सोचना पड़ेगा। और ये सोच सब आपकी डेवलप होगी जब आप समझोगे कि ये बिजनेस मेरा है। कुछ लोग समझ लेते हैं ये बिजनेस अपलाइन का है, कुछ लोग समझ लेते हैं ये बिजनेस कंपनी का है। दोस्त, एक बिजनेस कंपनी का भी नहीं है, ये बिजनेस अपलाइन का भी नहीं है, ये बिजनेस आपका है। आप अगर इसको मानते हो, अपना बिजनेस मानते हो, क्योंकि आपको ये ताकत दी गई थी, ये कंपनी, यू आर द इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर, आप इस बिजनेस के मालिक हो। इस बिजनेस से आपके बच्चों का भविष्य का निर्माण का प्लानिंग है, ये बिजनेस में आपको अमीर बनाएगा। लेकिन ये बिजनेस को अपना समझोगे तभी ये प्लानिंग आपके दिमाग में आएगी। अपना समझ के काम आप करोगे तो इस बिजनेस में आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेरणा मिलेगी और ज्यादा से ज्यादा ताकत मिलेगी। आप इस बिजनेस में अपने पूरे परिवार को समर्पित करके काम कर सकते हैं, पूरे परिवार को लेके काम कर सकते हैं।
जो अपने परिवार के साथ इस बिजनेस को किया उसके पास ज्यादा बड़ी कामयाबी बहुत जल्दी आई है। मैं भी जब इस बिजनेस में आया, मेरी पत्नी के नाम से मैंने बिजनेस ज्वाइन किया, मैं अपने साथ करता था, अपने बच्चों को इस बिजनेस में लेकर आगे बढ़ता था, मेरी पत्नी का इसमें प्रेरणा मिलता था, इसलिए मैंने थोड़ा सा आगे बढ़ा। क्योंकि कोई तो एक पिन के लिए जद्दोजहद करते हैं, लेकिन मैंने एक नहीं दो दो तीन तीन पिन अपने घर में, एक सफायर का, स्टार रूबी का, और मेरी पत्नी जो थी वो भी कम से कम रूबी के पिन में आती, लेकिन मेरे अपलाइन के मना करने से मैंने उसको उस एक एक ग्रुप को बंद किया और इस चार ग्रुप में काम करने लगे। आप भी कर सकते हो, क्योंकि आज आरसीएम बिजनेस सबसे आसान है। हमारे समय बड़ा मुश्किल था, दिक्कत था, परेशानी थी, लेकिन आज आरसीएम बिजनेस इतना आसान है। आप अगर सही प्लानिंग करो अपने टीम को लेकर, प्लानिंग क्या है, कैसे सेल बढ़े, सेल कैसे बढ़े, रिटेलिंग कैसे हो अपने टीम में सबसे ज्यादा, क्योंकि आज आरसीएम बिजनेस बिल्कुल सेल पे आधारित है, रिटेल पे आधारित है। जितना ज्यादा रिटेल करवा सकते हो उतना बड़ा काम कर सकते हैं आप। उसके लिए आज तरह तरह की प्लानिंग, तरह तरह का हथकंडा अपना रहे लोग, बहुत सारा नया नया प्रयोग हम कर रहे हैं। क्योंकि हमारा आज का उद्देश्य है कि हम सिर्फ आम लोगों को नहीं, खास लोगों को इस बिजनेस में शामिल करें, क्योंकि अब खास लोग भी आ रहे हैं। इस पैंडेमिक में लोगों के हाथ में काम नहीं है, बड़ी बड़ी दुकानें, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े इकाइयां बंद हो चुकी है, लोगों को काम की जरूरत है। लोगों के पास काम का दूसरा कोई रास्ता नहीं है। एक पढ़े लिखे, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आज रास्ते में घूम रहे हैं काम के तलाश में, इनकम के तलाश में। आप अगर घर से निकलते हो, ऐसे लोगों के साथ जाते हो, आप अगर फील्ड में डटे रहते हो, ऐसे लोग आपके साथ भी आएंगे। हमसे बड़े बड़े काबिल लोग इस बिजनेस में आएंगे आपके साथ। हमारी तो कोई काबिलियत नहीं थी, हमारी तो कोई पहचान नहीं थी, लेकिन आज हिंदुस्तान में बड़े बड़े शिक्षित लोग, बड़े बड़े डिग्री वाले लोग परेशान है। उसके पास नौकरी नहीं है, उसके पास कोई जॉब नहीं है, उसके पास इनकम का कोई जरिया नहीं है। आप निकलो घर से और जाके उस ऐसे व्यक्ति को पकड़ो, क्योंकि लोगों की कमी नहीं है हिंदुस्तान में। अभी 1% भी लोग नहीं आए, नहीं 99% लोग आप बाकी है, उसमें से 1% लोग भी आपके साथ अगर आ जाते हैं तो आप इस बिजनेस से करोड़ों रुपया पर मंथ कमाने के जगह में आ जाओगे। इतनी बड़ी तैयारी इस बिजनेस की है, हमें पता है, हम सब जानते हैं कि आरसीएम बिजनेस में कितने डिस्ट्रीब्यूटर है, करोड़ों डिस्ट्रीब्यूटर है, लेकिन एक्टिव कितने लोग हैं। ये एक्टिव लोगों की संख्या देखे तो बहुत कम है। इतने लोग आए लेकिन जितने लोग एक्टिव है, लेकिन आज का जो दौर चल रहा है, जितने लोग आ रहे हैं इस बिजनेस को समझ के आ रहे हैं, इस बिजनेस के प्रोडक्ट की क्वालिटी को देखकर लोग आ रहे हैं, इस बिजनेस के एजुकेशन सिस्टम को लोग देख के आ रहे हैं, इस बिजनेस में एग्जाम्पल देख के आ रहे हैं कि एक आम से आम आदमी इस बिजनेस में इतनी ऊंचाई अगर मैं जा सकता है तो मैं क्यों नहीं जा सकता हूँ। वैसे लोगों को आप अगर शामिल नहीं कर सकते हो, आप डरते हो, क्योंकि हम आम डिस्ट्रीब्यूटर को एक डर होता है कि मैं ऐसे लोगों के पास जाऊं तो मैं उसको कैसे समझा पाऊंगा, ये बिजनेस हम उसको समझा नहीं पाएंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है दोस्त, आरसीएम बिजनेस में ऐसा ऐसा टूल्स आपके पास है, ये टूल्स का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। ये टूल्स आपके जिंदगी में बहुत बड़ा फायदा दे सकता है अगर सही उपयोग कर ले तो। और ये दिन ये प्रयोग हमारे से बहुत पहले से ये प्रयोग में हम लगे हुए थे अपने टीम के साथ। आज अगर डायमंड क्लब की बात करते हैं तो डायमंड क्लब कंपनी के अनाउंसमेंट से पहले हम इस पे काम करते थे। डिस्प्ले वॉल के बारे में कंपनी का विधिवत प्रयोग के से पहले हम डिस्प्ले वॉल पे काम करते थे। और ये बात कभी कभी जाके आदरणीय टीसी सर के सामने हम बात छेड़ देते थे कि सर ऐसे करते हैं, घर में प्रोडक्ट 10,000 का रखे और घर में लाके लोगों को मीटिंग के माध्यम से इस बिजनेस का प्लान सुनाए। लेकिन उस समय विधिवत तरीका से नहीं करते थे, हम घर में प्रोडक्ट रखते थे डिस्प्ले वॉल के तरीका से। जब ये समझ में आया और टीसी सर इसको विधिवत प्लानिंग करके सही तरीका से इसका प्रयोग किया, तो आज देखिए पूरे हिंदुस्तान में डिस्प्ले वॉल के बारे में लोगों का इतना लंबा सोच है कि एक डिस्प्ले वॉल आपके जिंदगी को बदल सकता है, एक डिस्प्ले वॉल से आप करोड़ों का बिजनेस कर सकते हैं। ये तैयारी है आपके पास, और आप अगर उससे करते हैं तो आपके साथ ऐसे ऐसे लोग आज काम करना चाहते हैं जिसको आपको शामिल करना पड़ेगा। वो है आपके समाज के, आपके इलाका के क्वालिटी पीपल। क्वालिटी पीपल को आप अगर बता नहीं सकते, कोई जरूरी नहीं है, आपके पास है ये टूल्स।
वो डायमंड किताब, ये किताब आपकी जिंदगी को बदल सकता है। अगर आप कुछ ना बोल सकते हो, एक व्यक्ति के सामने ये किताब ले जाके रख दो और उनसे एक बार सिर्फ बोल दो, सर प्लीज इस किताब को पढ़ लेना। आप अगर इस किताब को पढ़ लेते हो तो आपके घर में दवाई और डॉक्टर की जरूरत कम पड़ेगी। ये किताब को पढ़ लेते हो तो आपको कंप्रोमाइज की जिंदगी जीनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते हो तो आपके घर में बचत होगा। ये जो महंगाई बढ़ रही है इससे आप बच जाओगे। और वो व्यक्ति, एक क्वालिटी पीपल, जब इस किताब को एक बार पढ़ लेगा तो फिर वो आप करो ना करो वो तो ये काम करेगा, क्योंकि इस किताब में वो चीज, हर वो बातें बताई गई है, इस किताब में हर वो बातें बताई गई है जो एक आम आदमी के और एक क्वालिटी लोगों के समझ में बिल्कुल आसानी से आ जाता है। तो आपको इस किताब का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करना पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाना पड़ेगा। कुछ टीम ऐसी बनानी पड़ेगी कि रोज शाम को ये किताब देके आए और सुबह अगर ले आते हैं तो फिर ये किताब जो लोग पढ़ेंगे वो इस बिजनेस पे ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन ना भी करें तो इस प्रोडक्ट को लेने में मजबूर हो जाएंगे। इस प्रोडक्ट को परमानेंट वो व्यक्ति लेना चालू कर देंगे और आपके टीम में ऐसे ऐसे लोग आएंगे जिसको आपकी तलाश है। हजारों लोग आपके टीम में आए हुए लेकिन आपकी रॉयल्टी नहीं है। क्या पता कल ऐसे एनएच खान, ऐसे अनिंद्य मिश्रा, ऐसे पंकज मिश्रा, ऐसे रिंकू झा और ऐसे कमलेश कुमार आपके टीम में आ जाए, ये बहुत बड़ी बात नहीं आ जाती। क्योंकि हिंदुस्तान में हमसे बड़े बड़े क्वालिटी लोग आज आपके इंतजार कर रहे हैं। आप अगर उसके पास जाओगे तभी अपने साथ उसको ला सकते हो। हम घर बैठे रहते हैं और बैठे बैठे प्लानिंग करते हैं, डाउनलाइन को समझा देते हैं या छोड़ देते हैं, ऐसा ऐसे बात नहीं बनेगा। खुद फील्ड में जाना पड़ेगा, क्योंकि लोग फील्ड में जाने से खतराते हैं इसलिए वो बिजनेस खड़ा नहीं कर पाते। आज जिन्होंने भी, मुझे पता है मेरे टीम में ऐसे ऐसे लोग हैं जो बड़ी बड़ी पिन हासिल कर चुके हैं, रूबी स्टार रूबी की पिन है, लेकिन 25 दिन घर से बाहर है और उसका नतीजा है कि वो उसके पास रिजल्ट नतीजा भी आ रहा है 100%। जो सोचते हैं वो करते हैं। फोकस आपका होना चाहिए अपनी बड़ी पिन पे, क्योंकि यहाँ अगर रुक गए तो फिर कोई फायदा नहीं है। आपका एक ही फोकस होना चाहिए, डायमंड 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 आप बन सकते हो। डायमंड बनने की हर क्वालिटी आपके पास है, सिर्फ जरूरत है तो अपने आप को समर्पित के रूप से फील्ड में ज्यादा समय देना। फील्ड में ज्यादा समय देने का नतीजा ही आपके पास रिजल्ट है। अगर फील्ड में आपकी टीम नहीं है तो रिजल्ट आपके पास नहीं है, क्योंकि लोग फील्ड से कतराते हैं। और आज मैं जहां खड़ा हूं इसके पीछे वो बहुत बड़ा काम किया है कि फील्ड, क्योंकि मुझे एक दिन पता था कि मैं सुरेंद्र बस के साथ, आदरणीय सुरेंद्र बस जी के साथ दिल्ली में थे और दिल्ली में एक व्यक्ति को उन्होंने मेरे साथ परिचय करवाया। मेरी आरपीएम बिजनेस की उम्र 4 साल की थी, इनकम लाखों में था, वो लोगों को समझ में नहीं आता था। मैंने अपना जेब से वो उनका अपना जो पहले हमारे पास चेक आता था, पहले ड्राफ्ट आता था, उस ड्राफ्ट को मैंने उनको दिखाया कि देखिए 94,000 का मेरा इनकम है 4 साल में इस बिजनेस में। वो दंग हो गए थे, परेशान होकर पूछने लगे कि कैसे संभव हुआ। तो मैंने अपने कानों से सुना था, आदरणीय सुरेंद्र बस साहब कहते थे कि खान साहब इसलिए कामयाब हैं कि जब भी उनको फोन करते थे किसी न किसी फील्ड में रहते थे, रोज हमसे फोन करते थे, किसी से बात करवाते थे, कोई अच्छे लोगों को समझा नहीं पाते थे तो हमको फोन धरा देते थे, मैं उनको समझाता था और नतीजा आज इसीलिए इनके पास है। आज आपको भी वही करना है, क्योंकि आप इस बिजनेस में अकेले कुछ नहीं कर सकते हो, आपको बिजनेस को सिस्टम के हवाले करना पड़ेगा। सिस्टम है आपके अपलाइन, सिस्टम है आपके डाउनलाइन, सिस्टम आपकी कंपनी, सिस्टम है टूल्स, इसके हवाले बिजनेस को कर दोगे तो आसानी से आप इसको बिजनेस को करोगे। और बिजनेस का लेखा जोखा, बिजनेस का हर हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए। आपका कहाँ से बिजनेस आ रहा है, कहाँ से 5,000 की बिजनेस आ रही है, वहां बिजनेस को मेंटेन करने के लिए मीटिंग सेमिनारे हो रही है कि नहीं, ये सब सिर्फ मेंटेन करोगे आप जब इस मुकाम पे पहुंच जाओगे। क्योंकि एक समय आप बहुत तीव्र काम करना पड़ता है, बहुत परेशानी आपको होती है, बहुत ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है, लेकिन 5 साल आपने अगर काम कर लिया, 5 साल के बाद काम नहीं करना पड़ता है साथी आरसीएम बिजनेस में। 5 साल आपने अगर जम के काम कर लिया तो इस बिजनेस की हर ऊंचाई को आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि अब आरसीएम बिजनेस जिस तरह से, जिस मुकाम पे, जिस तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, 20 साल की बात छोड़ दे, पीछे जो 20 साल चला गया है वो तो तैयारी करने में लगा है, अब आरसीएम बिजनेस तैयारी हो चुकी है। मैं आपको यकीन और गारंटी से कह सकता हूँ
पिछले 18 साल में जो काम नहीं हुआ अगले 5 साल में उससे बड़ा पिन हासिल आप कर सकते हैं। अगर आपके अंदर जज्बा है, आपके अंदर चाहत है, आपको अगर जिद है तो आप हर कुछ कर सकते हैं। पर जिद्दी होना ये बिजनेस का सबसे बड़ा क्वालिटी है। मैंने वो चीज देखा, जिद्दी होना, कसम खाना, संकल्प करना, ठान लेना, तभी आप कुछ कर सकते हो। और जब इस बिजनेस में आप थोड़ा दिन काम करते हो, धीरे 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 आपको मजा आने लगता है, मजा आने लगता है कि लोगों में आपकी पहचान बन जाती है। सोच आपकी वही होनी चाहिए कि मेरा पहचान बने, मैं एक एग्जाम्पल बने। कब तक दूसरे का एग्जाम्पल देते रहेंगे? कब तक सुरेंद्र प्रसाद को बताते रहेंगे डायमंड? कब तक अवधेश कुमार को बताते रहेंगे वो देखो डायमंड? ऐसा कुछ करो कि मैं भी डायमंड बनूं, आप भी डायमंड बनो। डायमंड बनने की समय आ चुका है, डायमंड बनने की तैयारी कर लो साथियों, क्योंकि अब बिल्कुल समझ में आ रहा है कि 2025 तक हिंदुस्तान में आरसीएम बिजनेस का भूचाल आने वाला है। आरसीएम बिजनेस में लोग ज्वाइन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लोगों के पास दूसरा कोई जरिया नहीं होगा, उसको आरसीएम ही नजर आएगा। आरसीएम से आसान काम लोगों के नजर में नहीं आएगा, आरसीएम में आने के लिए लोगों को लाइन लगाना पड़ेगा। खास करके ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो कहा जा रहा है कि अभी तो आसानी से आपको ज्वाइन करवा दे रहे हैं, आसानी से आपको इस बिजनेस में आने का मौका मिल रहा है। अगले 5 साल बाद इस सिस्टम में ज्वाइन करने के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ेगा, आपको बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करनी पड़ेगी। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। आज से बैंक, मैं जब इस बिजनेस में, मैं जब रेलवे की नौकरी में आया था, जबरदस्ती हमें रेलवे की नौकरी में भेजा गया था। मैं अपनी काबिलियत से और कोई इम्तिहान देके और एडुकेशन के माध्यम से मैं रेलवे की नौकरी में नहीं आया, मुझे कोई पकड़ के रेलवे की नौकरी में डाल दिया था। अब साथी, रेलवे की नौकरी अगर लेना चाहो 10 लाख रिश्वत दे के भी रेलवे की नौकरी मिल नहीं सकती है। ऐसे बहुत सारे काम है। LIC एजेंट भी पहले लोग बनाते थे, पकड़ पकड़ के लोगों को LIC का एजेंट बना देते थे। अब LIC का एजेंट बनने के लिए आपको वो देना पड़ता है, इम्तिहान देना पड़ रहा है। यानी जहां जिंदगी में कोई गारंटी नहीं है, जहां किसी को कोई भविष्य नहीं है, नौकरी में कोई भविष्य नहीं है, LIC में कोई भविष्य नहीं है, एजेंट बनने से छोटा मोटा एजेंट, छोटा मोटा MR बन जाते हो आप, आपका कोई भविष्य नहीं है। लेकिन RCM बिजनेस में इतना बड़ा भविष्य का निर्माण होता है। इतने बड़े भविष्य के निर्माण के लिए, इतना सारा पैसा, लाखों रुपया पर मंथ कमाने के लिए आपको अगर आना होगा तो आगे बहुत मुशक्कत करना पड़ेगा साथी। इसलिए अभी मौका है, अभी मौका है, और दस्तूर भी है, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे वो अभी कर। परिवर्तन है, परिवर्तन का समय चल रहा है, परिवर्तन दुनिया का नियम है। ये परिवर्तन सिर्फ हम नहीं, दुनिया के बड़े बड़े विद्वान, दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री आज इसके पक्ष में खड़े हैं, आज इसको समझ गए हैं कि अगर दुनिया को, हिंदुस्तान को अगर आर्थिक आजादी बनाना है, हिंदुस्तान से बेरोजगारी खत्म करना है, हिंदुस्तान से अगर महंगाई खत्म करना है, तो एक ही रास्ता है, डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम, डायरेक्ट सेलिंग मेथड, और डायरेक्ट सेलिंग के दुनिया में नंबर वन, दुनिया का सबसे बेहतरीन सिस्टम RCM बिजनेस है। ये RCM बिजनेस आज साबित कर दिया है, RCM बिजनेस जिस मुकाम पे आज खड़ा है, इस मुकाम पे आने के लिए दुनिया की सब कंपनी भी एक हो जाए पॉसिबल नहीं है, नहीं कर सकते, क्योंकि RCM एक परिवार का निर्माण किया है। RCM का सोच है अपने परिवार के लिए भविष्य का निर्माण करना। इसलिए दुनिया की कोई भी कंपनी आज सामान बेचती है तो अपने फायदे के लिए सोचती है, लेकिन RCM का सामान बेचता तो हजारों लाखों हमारे जितने परिवार शामिल है सबके घर में पैसा आता है। इसलिए यह सिस्टम बहुत महान है, और इस इंडस्ट्री का, इस इंडस्ट्री के बारे में अब ज्यादा मैं कुछ नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ आता नहीं है, लेकिन आज जिस तरह से सुनता हूँ कि बड़े बड़े अर्थशास्त्री इसके बारे में जो चर्चा कर रहे हैं कि आने वाला हिंदुस्तान का काया पलट कर सकता है, हिंदुस्तान के अर्थव्यवस्था को 100% कामयाबी की ओर ले जा सकता है, हिंदुस्तान के GDP को बहुत ऊपर ले जा सकता है, वो है हिंदुस्तान का सबसे सुनहरा बिजनेस RCM बिजनेस। RCM बिजनेस का बहुत बड़ा भविष्य आपके सामने है दोस्त। इसलिए अभी अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल संकुचित मत करना, बिल्कुल टूट पड़ो, कूद पड़ो, कसम खा लो, संकल्प ले लो, जिद में अड़ जाओ। 2025 में आप इस बिजनेस में बड़ी बड़ी कामयाबी के साथ आपको नजर आने लगेगा।
आप कामयाब होंगे, आप इस बिजनेस के डायमंड बन सकते हैं, आज इस बिजनेस के सफायर स्टार सफायर बन सकते हैं, क्योंकि इस बिजनेस में काबिलियत नहीं लगती है, लिखती है लगती है खाली चाह, लगता है सिर्फ फोकस, लगता है सिर्फ विश्वास, लगता है सिर्फ आपको नियत, लगता है मेहनत, लगता है मोहब्बत, लगता है संगत, और संगत देने के लिए हम सब तैयार हैं, आपको कामयाब बनाने के लिए हम सब तैयार हैं। आप सबकी कामयाबी की कामना करते हुए आज विदा लेता हूं, फिर मिलूंगा, जय आरसीएम। सर बहुत बहुत धन्यवाद, जिस तरह से आज आपने हिंदुस्तान के जितने भी हमारे डायरेक्ट सेलर हैं, आरसीएम परिवार के जितने सदस्य हैं, उनको आज वाकई में आपने वो रोड मैप दे दिया है जिससे कि वो अपने सपनों को और बड़ा कर पाए होंगे, आज वो अपने सपनों के लिए फिर से काम करने के लिए तैयार कर पाए होंगे। और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की फैमिली में जितने भी आरसीएम परिवार के सदस्य हैं, आज अपने आप को नेक्स्ट लेवल पे कैसे लेके जाए, किस तरह से संघर्ष किया जाए, किस तरह से अपने विजन को बड़ा किया जाए, उन सारी चीजों पे आज आपने जो गुरु मंत्र दिए हैं, जैसा कि आपने बताया कि शुरुआत में सर ने एक ही चीज देखा था, एक वर्ड ने इनकी विजन को बड़ा कर दिया, आर्थिक आजादी का अभियान। तो साथियों वाकई में ये हमारे लिए पूरी तरह से आर्थिक आजादी का अभियान बन सकता है, और हम हर एक डायरेक्ट सेलर को जो हमारी टीम का हिस्सा है उसको भी इससे जोड़ सकते हैं, पूरी तरह से उसको सफल बना सकते हैं। बस जरूरत है हमें उस विजन की, और वो विजन कब आपके अंदर आता है, जिस दिन आप आरसीएम ज्वाइन करते हो, फॉर्म साइन अप करते हो, उस दिन आता है, एक साल बाद आता है, छह महीने बाद आता है, जिस दिन आपका आरसीएम का विजन क्लियर हो गया साथियों, उसी दिन से आपकी सफलता की कहानी शुरू हो जाती है, उसी दिन से आपके सक्सेस के रास्ते खुल जाते हैं, उसी दिन से लोग आपके लिए, सिस्टम आपके लिए, और अपलाइन और डाउनलाइन सारे लोग आपके साथ, आपके सिस्टम के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आज सर ने जिस तरह से बताया कि आज ज्वाइनिंग करना इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन ज्वाइन करने के बाद किस तरह से हम इस सिस्टम में अपने आप को सस्टेन करें, किस तरह से अपने आप को इस सिस्टम में आगे लेके जाएं, किस तरह से लोगों के लिए हम वो पथ प्रदर्शक बन सके जिससे कि वो भी हमारे साथ आके अपने साथ अपनी जिंदगियों को बना सके, हमारी जिंदगियों को बड़ा कर सके। सर ने बहुत क्लियर तरीके से बताया कि अगर हम अपनी टीम के लिए काम करते हैं, उनके लेवल निकालने के लिए काम करते हैं, उनको आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं, तो हमारी सफलता स्वयं निर्धारित हो जाती है। आज सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि यहाँ पे हार्ड वर्क हमारे लिए बहुत कंपलसरी हो जाता है साथियों, क्योंकि जब हम नए होते हैं तो हमें सबसे पहले लर्निंग एटीट्यूड में आना पड़ेगा, हमें सीखने के लिए तैयार करना पड़ेगा। जब हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं, सेम उसी चीज को अपनी टीम के साथ हमें डुप्लीकेट भी करना होता है, उनको भी वही चीजें सिखानी पड़ती है कि जिस तरह से एक रॉयल्टी अचीवर किस तरह से रॉयल्टी अचीवर बनता है, वो अपना रोड मैप अपने साथियों को देता है, वैसे ही आज हम सारे लोगों को पता है कि आरसीएम की जितनी भी बड़ी शख्सियत हैं, जो कि आज भी हमारे लोगों के बीच में आते हैं और पूरी तरह से वो अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं कि उन्होंने कौन से वो संघर्ष किए, किस तरह से उन्होंने अपने लोगों के साथ में काम किया, और किस तरह से आरसीएम की बड़ी विजन के साथ में आज वो यहाँ पर है। सर ने आज बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये बिजनेस सिर्फ ज्वाइनिंग का बिजनेस नहीं है, सिर्फ प्रोडक्ट का बिजनेस नहीं है, अगर यहाँ पे आप आते हो तो एक कमिटमेंट के साथ आना पड़ेगा, एक निश्चय के साथ में आना पड़ेगा, आपका टारगेट क्या है उसको डिसाइड करके आना पड़ेगा, उन सारी चीजों के साथ अगर हम काम करते हैं तो निसंदेह हम यहाँ पे बाकी सब लोगों के लिए आइडियल बन सकते हैं, उनके लिए वो सारे काम करने के लिए हम रोड मैप तैयार कर सकते हैं कि वो लोग भी हमें फॉलो करें और अपने आप को वहां तक पहुंचने के लिए तैयार करें। आज सर ने जिस तरह से ज्वाइनिंग्स के ऊपर बात की कि ज्वाइनिंग्स करना जरूरी नहीं है, लेकिन ज्वाइनिंग करने के बाद में कैसे आप प्रोडक्ट के ऊपर काम करते हो, कैसे ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट लेके जाते हो, कैसे उन प्रोडक्ट के एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करते हो, और कैसे कंटिन्यूसली आप इस सिस्टम में काम करते हुए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि अगर शुरुआती आपकी जो सफलता वो डिसाइड करती है कहीं ना कहीं कि आपके टीम के अंदर लोग कितने हैं, कितने लोग एक्टिवली काम कर रहे हैं, कितने लोग एक्टिवली प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, और वो सारा कुछ हमारा डिपेंड करता है हमारे फॉलोअप के ऊपर, हमारी प्रोडक्ट नॉलेज के ऊपर, हमारे बिजनेस को लेके विजन के ऊपर, और वो सारी चीजें अगर हम अपनी टीम के लोगों के साथ शेयर कर पाए, उनको बता पाए, तो हम बड़े विजन के साथ में बड़े लेवल पर जा सकते हैं। आज सर ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ पे हमें पैसा मिलता है, सम्मान मिलता है, शोहरत मिलता है, टाइम फ्रीडम मिलता है, और साथ ही साथ आने वाले टाइम के लिए सिक्योरिटी भी मिलती है, एक अच्छी सेहत मिलती है, वो सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, तो हम उन सारे लक्ष्यों को पूरा करते हुए एक मल्टीटास्किंग काम करते हुए ज्यादा लोगों को ज्यादा अच्छे तरीके से सफल बना सकते हैं, जिसका जहां इंटरेस्ट है वहां उस इंटरेस्ट के साथ में उसको इस बिजनेस में लेके आ सकते हैं, जिसको पैसे की जरूरत है उसको पैसे के लिए लेके आ सकते हैं, जिसको टाइम फ्रीडम चाहिए उसको टाइम फ्रीडम के लिए लेके आ सकते हैं, जिसको सिक्योरिटी चाहिए उसको सिक्योरिटी के साथ लेके आ सकते हैं, जिसको नेम फेम चाहिए उसको उसके साथ लेके आ सकते हैं। तो हर एक दरवाजा यहाँ पे खुला है, और जैसा सर ने बताया कि 2025 के अंदर वो दिन भी दूर नहीं है जब आरसीएम बिजनेस के अंदर भी लोगों को ज्वाइन
करने के लिए हो सकता है कोई एग्जाम देना पड़े, हो सकता है कोई क्वालिफिकेशन क्लियर करनी पड़ेगी, क्योंकि आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज जो है वो भी अपना जो सब्जेक्ट्स हैं सिलेबस हैं उनके अंदर डायरेक्ट सेलिंग का पूरा सब्जेक्ट लेके आ चुकी है। आज की डेट में स्कूलों कॉलेजों में डायरेक्ट सेलिंग के बारे में पढ़ाया जाने लग गया है, और वो सारी चीजें आने वाले टाइम में हम देखेंगे कि आज की डेट में जिसने अपने आप को सिस्टम के अंदर लेके आ गया, जो अपने सिस्टम के अंदर अपने आप को आइडियल बना लिया, आने वाले टाइम में उनके ग्रुप्स के अंदर लोग इंटरव्यू के साथ में प्री अपॉइंटमेंट के साथ में आके ज्वाइन करने वाले हैं, तो वो दिन भी दूर नहीं है साथियों। बस हमें ये देखना है कि इस नेटवर्क इंडस्ट्री में इस सिस्टम के अंदर कितनी बड़ी ताकत, और आने वाले टाइम में किस तरह से इस सिस्टम का हिस्सा बनकर हम ज्यादा लोगों की जिंदगियों में परिवर्तन ला सकते हैं, ज्यादा लोगों के घरों में वो सारे बेहतरीन प्रोडक्ट पहुंचा सकते हैं, किस तरह से उनको इनकम का जरिया देकर उनको सक्सेस बनाने में हम अपने सारा वो टाइम लगा सकते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ इस सिस्टम में होने वाली है। आज जिस तरह से सर ने हमें बहुत अच्छे तरीके से बताया, साथियों एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगा कि ये जो आरसीएम बिजनेस चैनल है ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपने परिवार का चैनल है, जहाँ पे सिर्फ किस तरह से आपकी ग्रोथ को बढ़ाया जाए, किस तरह से आपके लेवल को बढ़ाया जाए, किस तरह से आपके पास में घर बैठे वो सारी जानकारी पहुंचाई जाए, उसके ऊपर आज कंपनी पूरी तरह से डेडिकेट होके काम कर रही है। और वही रीजन है कि आज हम आप लोगों के बीच में उन सारी हस्तियों को, उन सारी पर्सनालिटीज को लेके आ रहे हैं जिन्होंने वाकई में आरसीएम बिजनेस के अंदर अपने आप को साबित किया है, और हजारों लाखों आज उनके फॉलोअर हैं, उनके जैसा बनने के लिए लोग टारगेट लेके काम कर रहे हैं। वो सारे तभी पूरे हो सकते हैं साथियों जब हम अच्छे अपलाइन की संगत में हैं, अच्छे लोगों की संगत में रहें, उनको पूरी तरह से फॉलो करें। एक अच्छे अपलाइन को अगर हमने सही तरह से फॉलो करना शुरू कर दिया, उनको समझना शुरू कर दिया, उनके जैसा काम करना शुरू कर दिया, तो बिल्कुल सफलता हमारे पास आनी ही आनी है, और एक दिन वो दिन भी दूर नहीं होगा जब हम में से बहुत सारे लोग यहाँ पे एज ए सक्सेस एक लीजेंडरी बनकर यहाँ पे होंगे और अपनी सफलता की स्टोरी बाकी लोगों के साथ शेयर कर रहे होंगे, तो वो सारी चीजें यहाँ से हो सकती है। तो अंत में एक बार फिर मैं आपको कहना चाहूंगा साथियों कि जितने भी साथी हमारे डायरेक्ट सेलर परिवार के हैं, आज एक चीज डिसाइड करें। सर ने जैसा कि बताया था कि हमारे लिए कोई भी मंथ टारगेट मंथ नहीं हो सकता, अगर हम बड़े विजन के साथ में आए तो हर मंथ हमारे लिए टारगेट मंथ होना चाहिए, हर मंथ हमारे बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाया जाए वो बिजनेस का हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हर मंथ हमारी टीम में कितनी ज्यादा ज्वाइनिंग के साथ हम आ सकें, बिजनेस को किस तरह से हम हमेशा ग्रोइंग मोड में रख सकें। अगर इस सिस्टम पे हमने काम कर लिया, इस सिस्टम पे अच्छी तरह से हम अपनी टीम को लेकर आगे समझता हूँ, तो मैं हर महीना हमारे लिए टारगेट मंथ हो सकता है, हर महीना हमारे लिए अचीवमेंट का मंथ हो सकता है, हर महीने हम अपनी टीम के लोगों के इनकम को और ज्यादा अच्छे तरीके से नए लेवल पर लेके जा सकते हैं। और ये सारी चीजें तभी हो सकती है साथियों जब हम अच्छे अपलाइन की संगत में रहें, उनको अच्छी तरह से फॉलो करें, उनकी जो हमारी टीम को लेके प्लानिंग होती है उसको हम पूरी तरह से अपनी टीम को दे सकें, उसके ऊपर पूरी तरह से 100% हम काम करा सकें। तो साथियों ये सारी चीजें हो सकती है, बस हमें सिर्फ सुनना नहीं है, सुनने के बाद उनको एक्शन में लेके आना। जिस दिन हमारा एक्शन इसके हिसाब से होने लग गया, इन सारी चीजों के हिसाब से हमने अपने आप को डेवलप कर लिया, तो साथियों सफलता को आने से कोई नहीं रोक सकता, वो एक दिन आनी ही आनी है। तो एक बार फिर से मैं खान सर का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने आज अपना कीमती समय निकाला और आरसीएम परिवार के हर एक सदस्यों को बताया कि किस तरह से सफलता के उस शिखर पर पहुंचा जाता है, किस तरह से वो सारे ऑप्टिकल्स आते हैं उनको दूर किया जाता है और उसके बाद काम करते हुए हम वहां पर पहुंच सकते हैं। साथ ही साथ मैं सारे साथियों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा साथियों कि इस चैनल को जितना ज्यादा आप अपनी टीम के अंदर लोगों से सब्सक्राइब करा सकते हैं, जितने लोगों तक आप पहुंचा सकते हैं उतने लोगों तक पहुंचाइए, ताकि घर बैठे उनके पास में वो सारी एजुकेशनल जानकारी, वो सारे प्रोडक्ट से रिलेटेड जानकारी और डायरेक्टली कहीं ना कहीं कंपनी से एफिलिएटेड करने का आप काम कर रहे होंगे, उनके पास में सेल्फ लर्निंग मोड में उनको लाने के लिए आप तैयार कर सकते हो। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज आप अपना कीमती समय दिया और इस प्रोग्राम को और सक्सेसफुल बनाया, और साथ ही साथ एक बार फिर से खान सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने आज अपना कीमती समय दिया और हम सारे आरसीएम परिवार के सदस्यों को गुरु मंत्र दिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जय आरसीएम।